हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल व्हील ऑफ फॉर्च्यून 111. विश यू ऑल अ वेरी हैप्पी महाशिवरात्रि गाइस. सो आज जो है, आज की रीडिंग एक पिककार रीडिंग होगी गाइस, एंड आई होप कि आप सब बहुत अच्छे भी हो. सो आज हम देखेंगे कि आपकी रिलेशनशिप की करंट एनर्जी सभी कैसी है, आपके पर्सन की करंट फीलिंग्स कैसी है, और उनका नेक्स्ट मूव क्या होगा. ओके, सो ये एक टाइमलेस जनरल रीडिंग है गाइस, जेंडर स्पेसिफिक नहीं है. सो अब मेल फीमेल आप लोग इसे किसी भी वक्त देख सकते हो. ओके, सो चलिए बिना किसी देरी के हम स्टार्ट करते हैं आज की रीडिंग. तो उससे पहले मैं बता देती हूँ कि आपको जो है आपके पर्सन का नेम का फर्स्ट लेटर चूज़ करना है. सो अगर आपके पर्सन का, आपके पार्टनर का नेम का फर्स्ट लेटर ACDGIMOPRTUWY है, तो आपको ग्रुप 1 पायल 1 चूज़ करना है. और अगर आपके पर्सन के पार्टनर का नेम BEFHJKLNQSVXZ से शुरू होता है, तो आपको ग्रुप 2 या पायल 2 चूज़ करना है. ओके, सो चलिए शुरू करते हैं हम आज की रीडिंग. हेलो पायल नंबर 1, अगर आपने पायल 1 या फिर आपके पर्सन का नेम ACDGIMOPRTUWY से शुरू होता है, तो देख लेते हैं आप दोनों के रिलेशनशिप की करंट एनर्जीज कैसी हैं, उनके करंट फीलिंग्स एंड नेक्स्ट मूव क्या हैं. ओके, सो एक टाइमलेस जनरल रीडिंग है गाइस, जेंडर स्पेसिफिक नहीं है, मेल फीमेल आप लोग इसे किसी वक्त देख सकते हो. क्विकली हम लोग देख लेते हैं. ओके, तो चलिए शुरू करते हैं. जब तक मैं शफलिंग कर रही हूँ, आप लोग प्लीज़ पॉजिटिव रहिए. सबसे पहले आप दोनों के रिलेशनशिप की एनर्जीज देख लेते हैं कि दोनों तरफ से एनर्जीज कैसी है रिलेशनशिप की. आप लोग जरूर बताना आप लोग कैसे स्पेंड कर रहे हो इस शिवरात्रि. ओके, मेरा तो होल डे फास्ट है. ओके, और कुछ प्रेयर्स हैं, मेडिटेशंस हैं जो कि मुझे करने हैं, और मैं क्विकली आप लोगों के लिए वीडियो बना रही हूँ बिकॉज आप लोगों की रिक्वेस्ट आ रहे थे कि मैं एनर्जीज पे रीडिंग करूँ शिवरात्रि के लिए. तो लीजिए, आप लोगों के लिए हाजिर है. ओके, हमारे पास है फेथ, एक्सपेंशन, सर्विस. व्हाट ऑन द डेक से हमारे पास है क्वेस्ट. सो आप दोनों की रिलेशनशिप की करंट एनर्जीज मुझे दिख रही है कि आपने जो फेथ रखा है, ठीक है, मुझे यहाँ पर दिख रहा है कि आप दोनों के रिलेशनशिप को लेकर आपके पर्सन और आपने दोनों ने ही कहीं ना कहीं फेथ रखा है. ये कोई ऐसा रिलेशनशिप है जहाँ पर प्यार बहुत ज़्यादा था, इमोशंस बहुत ज़्यादा था, लेकिन थर्ड पार्टी इन्फ्लुएंस या फिर एक्सटर्नल फोर्सेस के वजह से जो है चीज़ें अच्छी तरीके से नहीं चल रही थी, ठीक है. लेकिन अब मैं बता दूं कि आपके और आपके पार्टनर दोनों एक दूसरे से बहुत प्यार करते हो आप लोग, ठीक है. हो सकता है सबके साथ रेजोनेट ना करें, लेकिन ये एनर्जी मुझे उनकी लग रही है जिनके बोथ साइडेड लव था, ठीक है. प्यार बहुत ज़्यादा था और आप दोनों बहुत फेथ रखते थे. आप दोनों ही स्पिरिचुअल हो सकते हो, या फिर एटलीस्ट आप दोनों को ट्रस्ट है डिवाइन पर, डेस्टिनी पर, और आप दोनों की फेथ ही आप दोनों को करीब ला रही है, ठीक है. यहाँ पर है एक्सपेंशन, ठीक है. यहाँ पर दोनों कार्ड्स में ही यहाँ पर एंजल है. ओके, देखिए यहाँ पर. ओके, सो आपकी जो रिलेशनशिप है, ठीक है, वो एक्सपेंड होने वाली है फ्यूचर में. अगर सेपरेटेड हो, यूनियन होने वाली है, ठीक है. सोल एक्सपेंशन भी यहाँ पर हो रहा है, ठीक है. जो चीज़ आपने चाहा, जो चीज़ के लिए आपने विश्वास किया कि अभी नहीं तो अब होगा, आपने धैर्य रखा, आपने फेथ रखा, ठीक है. आपने ट्रस्ट किया यूनिवर्स पर, आपने प्रे करके यूनिवर्स पे छोड़ दिया, ठीक है. तो ये आपके और आपके पार्टनर ने दोनों ने ये चीज़ को किया है, और अब मुझे लग रहा है कि आप दोनों की कनेक्शन जो है एक्सपैंड करेगी, बढ़ेगी. यहाँ पर है सर्विस, जो कि मुझे दिखा रहा है कि आपके पर्सन और आप जो हो एक दूसरे की केयर करने वाले हो. आप दोनों की एनर्जीज भी अब एक दूसरे के लिए बढ़ रही है, एक दूसरे का ख्याल रखना चाह रहे हो, एक दूसरे को लेकर टेंस हो रहे हो, ठीक है. एक दूसरे के बारे में बहुत इंटेंस लेवल पर सोच रहे हो कि कैसे आप उनको प्यार दे सकते हो, कैसे आप उन्हें सपोर्ट कर सकते हो. तो ये आप दोनों के, दोनों तरफ से म्यूचुअल एनर्जी है, ठीक है. डेफिनेटली मुझे यहाँ पर दिख रहा है आप लोगों की फेथ एक दूसरे को करीब ला रही है. आप दोनों की एनर्जीज अब एक दूसरे के साथ अलाइंग हो रही है, और आप दोनों जो है एक्सपेंशन करोगे एक दूसरे के साथ अपने कनेक्शन को. जो नेगेटिविटीज़ थी, जो कन्फ्यूजन्स थी, वो कहीं ना कहीं निकल रहे हैं आप दोनों के रिलेशनशिप से करंटली. बहुत अच्छा मुझे यहाँ पर दिख रहा है. कुछ लोगों के लिए मुझे दिख रहा है कि आप लोग अभी भी प्रे कर रहे हो, या फिर आपने एक माइंडसेट अपना बना लिया है कि सब कुछ अच्छा होगा, और वो चीज़ आपकी रियलिटी में हो भी रही है, ठीक है. तो ये एनर्जी आपके रिलेशनशिप की मुझे नज़र आ रही है. चलिए करंट फीलिंग्स देख लेते हैं आपके पर्सन की आपके लिए.
ओके, हमारे पास है सेवन ऑफ स्वॉर्ड्स, टेम्परेंस, ओके, फोर ऑफ कप्स, थ्री ऑफ वॉन्ड्स, बॉटम ऑफ द डेक से हमारे पास है क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स। ओके, सो साइन जो यहाँ पर है वो है यहाँ पर एयर साइन एक्वेरियस लिब्रा जेमिनाई, ओके, वाटर साइन कैंसर स्कॉर्पियो पाइसेस, फायर साइन एरीज लियो सजिटेरियस, बहुत स्ट्रांग है। यहाँ पर अर्थ साइन की एनर्जी नहीं है, बट अगेन साइंस पे मत जाइएगा, एनर्जीज पे जाइएगा। तो मुझे दिख रहा है कि आपके जो पर्सन है, हो सकता है कि अब तक ही आपसे भाग रहे थे, ये मुझे पास्ट की एनर्जी ज़्यादातर लग रही है कि ये पर्सन जो है आपके पास आना चाह रहे थे लेकिन ये आपसे भाग रहे थे, ठीक है, आ नहीं पा रहे थे, दूर जा रहे थे, ठीक है। हो सकता है बीच बीच पे कभी आकर आपके पोस्ट को लाइक कर रहे थे या फिर आपको मैसेज कर रहे थे, फिर गायब हो जा रहे थे, या फिर आपको एहसास दिला रहे थे कि ये पर्सन आपकी लाइफ में है, बट स्टिल कुछ आगे नहीं बढ़ा रहे थे। तो मुझे दिख रहा है करेंटली इस पर्सन को आपके साथ जो है बैलेंस में लाना है चीज़ों को, बिकॉज ये पर्सन आपसे अलग रहकर बहुत ज़्यादा डिसटिस्फाइड एनर्जी में है। इनका कहीं भी फोकस नहीं लग रहा है, कहीं मन नहीं लग रहा है, कुछ करने की इच्छा नहीं हो रही है, इनके अंदर वो इंथुजियाज़म ही नहीं बचा है जो पहले आप जब दोनों साथ में थे तब हुआ करती थी। तो अब ये पर्सन डेफिनेटली आपका राह देख रहे हैं, एक्सट्रीमली आपको मिस कर रहे हैं, ठीक है। मुझे यहाँ पर दिख रहा है कि अगर दूर हो तो डेफिनेटली आपके पिक्चर्स वगैरह देख रहे होंगे, या फिर आपको याद बहुत कर रहे हैं, इनके दिमाग में आप बहुत ज़्यादा चल रहे हो, ठीक है। और अब जो है ये आपके साथ जो है चीज़ों को बैलेंस करना चाहते हैं, ये चीज़ों को फिर से ठीक करना चाहते हैं, क्योंकि इन्हें ऐसा लग रहा है कि आपके बगैर इनकी जो है कहीं ना कहीं ये बैलेंस में नहीं रह पा रहे हैं, बैलेंस के साथ चीज़ों को आगे नहीं प्रोसीड कर पा रहे हैं, कुछ किसी चीज़ में इनका फोकस नहीं लग रहा है। लेकिन साथ में ही जो है इनको ऐसा लग रहा है कि शायद आप उन्हें एक्सेप्ट ना करो, शायद आप जो हो कहीं और मूव ऑन हो चुके हो, शायद आपका ध्यान किसी और की तरफ चला गया है, तो ऐसे इनसिक्योर भी ये हो रहे हैं करेंटली। यहाँ पर टेन ऑफ कप्स का कार्ड है, फैमिली आपके साथ करेंटली देख रहे हैं, ठीक है, आपके साथ चीज़ों को डेफिनेटली ये ठीक करना चाहते हैं, इनके दिल में ट्रू इमोशंस हैं, सच्चा प्यार है यहाँ पर, ठीक है, और ये आपके तरफ बढ़ना चाहते हैं, ठीक है, अब ये डेफिनेटली आपकी तरफ आना चाहते हैं, ठीक है, पूरे तरीके से एक सॉलिड कमिटमेंट के साथ, ट्रू लव के साथ ये इंसान आपकी तरफ कम बैक करना चाहते हैं, लेकिन इनको डाउट है कि क्या आप उन्हें अपनाओगे या नहीं, ठीक है। आगे बढ़ना ही आपकी तरफ चाहते हैं, ऑप्टिमिस्टिक है अभी ये आपकी तरफ बढ़ने का, इन्हें अभी भी होप्स हैं कि अभी भी कुछ ख़त्म नहीं हुआ है, ट्राई करेंगे तो सब कुछ पॉसिबल है, बट कहीं ना कहीं थोड़े से इनसिक्योर भी है, डाउटफुल एनर्जी में ये है कि शायद आप अपने इमोशंस खो चुके हो इस पर्सन के लिए, शायद आप आगे बढ़ चुके हो, या फिर शायद आप अब इस पर्सन को अपनाना नहीं चाहते, ऐसा इस पर्सन को समझ आ चुका है, ऐसा इस पर्सन को फील हो रहा है। तो करेंटली मुझे इस पर्सन की ऐसी एनर्जी दिख रही है, ओके। सो चलिए अब हम देख लेते हैं आपके पर्सन की नेक्स्ट मूव क्या होगी आपके लिए। ट्रस्ट इश्यूज़ यहाँ पर अभी भी है, लेकिन फिर भी प्यार भी बहुत ज़्यादा है, और कुछ दूरियाँ तो है यहाँ पर, फिजिकल डिस्टेंस है या ऑनलाइन डेटिंग है, जिसके वजह से इनसिक्योरिटीज़ और भी ज़्यादा बढ़ जाती है, क्योंकि आप दोनों एक दूसरे को देख नहीं पाते हो, ओके। ओके, तो हमारे पास है नाइट ऑफ पेंटिकल्स, देन वी हैव नाइन ऑफ स्वॉर्ड्स इन रिवर्स, और भी कार्ड्स देख लेते हैं। आई थिंक ये पर्सन आपका वेट कर रहे हैं, द डेविल, फोर ऑफ स्वॉर्ड्स इन रिवर्स, बॉटम ऑफ द डेक से हमारे पास है द मैजिशियन। ओके, सो मुझे यहाँ पर दिख रहा है ये जो पर्सन है एज सच कोई एक्शन तुरंत नहीं लेंगे, बल्कि ये इंसान आपको लेकर फैंटेसाइज करने वाले हैं, आपको लेकर ड्रीमिंग करने वाले हैं, आपको लेकर इनके माइंड में तरह तरह के थॉट्स आएंगे, ठीक है। और ये जो स्टैग्नेंट वाली एनर्जी है, जो नेगेटिविटीज़ थी, उससे ये कहीं ना कहीं निकल चुके हैं। अगर आपको लेकर इनके मन में डर था, या फिर इनको ऐसा लगा था कि मूव ऑन कर जाना पड़ेगा, कुछ भी था, तो उस सारे पेन से ये निकल रहे हैं, वो स्टैग्नेंट वाले पीरियड से इंसान निकल रहे हैं, और मुझे दिख रहा है इंटेंस लेवल पर ये इंसान जो है आपको मैनिफेस्ट करने वाले हैं। ये ईश्वर से आपको चाहेंगे, भगवान से, ऊपर वाले से आपको मांगेंगे। हालांकि मुझे इनका दिख रहा है कि ये एक्शन लेंगे, लेकिन स्लो एनर्जी इनकी बहुत है, धीरे धीरे आपके तरफ आएंगे, ठीक है। और आने से पहले ये चाहेंगे कि आप उनके तरफ आ जाओ, आपको ये अट्रैक्ट करना चाहेंगे, आपको अपने तरफ लाना चाहेंगे, ये चाहेंगे कि फर्स्ट मूव आपका हो, ठीक है। तो ये चीज़ मुझे यहाँ पर कहीं ना कहीं दिख रही है, क्योंकि हो सकता है इस पर्सन को स्टेबिलिटी अभी लाइफ में नहीं है, इनको स्टेबिलिटी मिलने में अभी टाइम है, और इस स्टेबिलिटी के मिलने के बाद ही इंसान आपके तरफ आएंगे, जिसमें हो सकता है कुछ मंथ्स लगे,
ठीक है, और मुझे दिख रहा है ज़्यादातर ये इंसान चाहेंगे कि फर्स्ट मूव आप लो, ठीक है, आप उनके तरफ जाओ, ठीक है, क्योंकि ये इंसान ऑब्सेस्ड है आपको लेकर, आपकी अटेंशन ये इंसान चाहते हैं। लेकिन ये मैं सजेस्ट करूँगी कि आपको अपने तरफ से कोई एक्शन नहीं लेना है, ठीक है, जो होगा वो डिवाइन की मर्ज़ी से होगा, क्योंकि यहाँ पर एनर्जीज हमने देख लिया, एक्सपेंशन होगा, फेथ आपको कंटिन्यू रखना पड़ेगा, किसी के लिए डीले होगा, किसी के लिए बहुत जल्द हो जाएगा यूनियन, ठीक है। तो ऐसे मुझे इस पर्सन के नेक्स्ट मूव नज़र आ रही है। सो चलिए देख लेते हैं उनके तरफ से कुछ मैसेजेस कि वो आपको क्या कहना चाहते हैं करंटली, या क्या उनकी फीलिंग्स हैं, मैसेजेस के थ्रू देख लेते हैं हम। ओके, चलिए देख लेते हैं। ओके, हमारे पास है आई एम कमिंग बैक, विल यू एक्सेप्ट मी नाउ प्लीज़। तो ये इंसान जो है वापस आना चाहते हैं, और इन्हें पता नहीं है कि आप इन्हें एक्सेप्ट करोगे या नहीं। यहाँ पर अर्थ साइन भी है गाइस, वर्गो टॉरस कैप्रिकॉर्न। ओके, आई एम स्ट्रगलिंग सो मच, कैन यू प्रे फॉर मी। ये चाहते हैं कि आप उनके लिए प्रे करो। कुछ स्ट्रगल्स ये लाइफ में हो सकता है कर रहे हो इस वक्त। कुछ लोगों के लिए आपके पार्टनर जो है डिफेंस में या फिर मेडिकल फील्ड से हो सकते हैं, कुछ लोगों के लिए बिजनेसमैन हो सकते हैं, हालांकि प्रोफेशन में बताती नहीं हूँ, बट फिर भी मैं रोज़ प्रे करता हूँ या करती हूँ तुम्हारे लिए, आपके लिए डेफिनेटली ये प्रे करते हैं। यहाँ पर दो बार जो है, देखिए यहाँ पे इन्फिनाइट का सिंबल है, तो ये डेफिनेटली आपको मैनिफेस्ट करते हैं, दुआओं में आपको मांगते हैं, प्रे ये करते हैं ताकि आप दोनों के बीच में चीज़ें ठीक हो जाए, ठीक है। फिर है तुम्हारे बिना कहीं मन नहीं लगता, तुम हो तो सब है वरना कुछ नहीं। तो जैसे मैंने कहा रीडिंग में पहले ही, फोकस ये नहीं कर पाते आपके बगैर कहीं पर भी, हैप्पीनेस इनको कहीं ना कहीं मिलती नहीं है। ओके, सो गाइज ये थी आप लोगों की रीडिंग, आई होप आप लोगों को पसंद आया, अगर पसंद आया रेजोनेट हुई है तो प्लीज़ डू लाइक कमेंट शेयर एंड सब्सक्राइब। मैं मिलती हूँ आप लोगों को नेक्स्ट वीडियो में गाइज, तब तक के लिए बाय बाय पाइल वन। हेलो पाइल नंबर टू, अगर आपने पाइल टू या फिर आपके पर्सन का नेम BEFJKLNQSVX से जैसे शुरू होता है, तो देख लेते हैं आप दोनों के रिलेशनशिप की करंट एनर्जीज कैसी हैं, उनकी करंट फीलिंग्स कैसी हैं आपको लेकर, एंड उनका नेक्स्ट मूव क्या होगा आपके लिए। ओके, सो एक टाइमलेस जनरल रीडिंग है गाइज, जेंडर स्पेसिफिक नहीं है, सो मेल फीमेल आप लोग इसे किसी भी वक्त देख सकते हो। ओके, एंड आप लोग ज़रूर बताइएगा कि आप लोग महाशिवरात्रि कैसे स्पेंड कर रहे हो। हालांकि मेरा तो पूरा दिन के लिए फास्टिंग है, ओके, प्रेयर्स हैं एंड कुछ मेडिटेशन वर्क है जो मुझे करने हैं, ठीक है, कुछ सोल वर्क भी है जो करने हैं। सो गाइज आई विश यू ऑल अ वेरी हैप्पी महाशिवरात्रि। ओके, एंड आप लोग ज़रूर कमेंट सेक्शन में बताइएगा। सो चलिए अब हम देख लेते हैं। तो सबसे पहले हम जो है आपकी करंट एनर्जीज देखेंगे कि आपके रिलेशनशिप की अभी करंट एनर्जीज दोनों तरफ से कैसी हैं। तो जब तक मैं शफलिंग कर रही हूँ आप लोग प्लीज़ पॉजिटिव रहिए। हालांकि बहुत ज़्यादा बिजी हूँ कुछ डेज से, बट मैं आप लोगों के लिए वीडियो ला रही हूँ बिकॉज मुझे रिक्वेस्ट आए थे कमेंट सेक्शन में कि मैं शिवरात्रि के लिए स्पेशल वीडियो लाऊँ आप लोगों के लिए, तो डेफिनेटली आप लोगों के लिए हाजिर हैं। ओके, तो चलिए देख लेते हैं कि आपके रिलेशनशिप की करंट एनर्जीज क्या हैं फॉर फाइल नंबर वन। ओके, हमारे पास है सेल्फ वर्थ। कंफ्यूजन प्रेयर वॉट ऑन द डेक्स हमारे पास है रिजेक्शन। ओके, सो आप दोनों के रिलेशनशिप की करंट एनर्जीज मुझे देखिए यहाँ पर दिख रहा है कि आप दोनों के रिलेशनशिप में बहुत ज़्यादा ही कन्फ्यूजन अभी भी है, ठीक है, और मुझे लग रहा है ये दोनों तरफ से है क्योंकि मैंने आप दोनों के रिलेशनशिप की एनर्जीज निकाली है। आपको भी क्लैरिटी नहीं है, आपके पर्सन को भी नहीं है। कभी आप दोनों होपफुल हो जाते हो, कभी आप दोनों जो है पूरी तरीके से सैड हो जाते हो, और आप लोगों को समझ नहीं आता है कि कौन से थॉट को एक्सेप्ट करना है, कौन से थॉट को निगलेक्ट करना है और आगे क्या करना है। कन्फ्यूजन बहुत ज़्यादा है यहाँ पर, सेल्फ वर्थ इश्यूज़ हैं, सेल्फ वर्थ के साथ यहाँ पर रिजेक्शन है, ठीक है। तो यहाँ पर या तो आपको सेल्फ वर्थ इश्यूज़ हैं, आपको ऐसा लगता है कि आप इनफ डिज़र्विंग नहीं हो अपने पार्टनर के लिए, आपके अंदर खामियाँ हैं, और आपके पर्सन को भी ऐसा लगता है कि वो इनफ डिज़र्विंग नहीं है, वो रिजेक्शन से डरते हैं, ठीक है। कुछ लोगों के लिए एक सिचुएशनशिप भी हो सकता है कि रिलेशनशिप नहीं रहा है आप लोगों का, लेकिन कनेक्शन आप लोगों का रहा है, लेकिन ये पर्सन आपके तरफ आने से डरते हैं क्योंकि उनको रिजेक्शन का फियर है, उनको डाउट है कि अगर वो एक्सप्रेस कर देते हैं और आप उन्हें नहीं अपनाते हो तो उनकी जो इमेज है पूरी तरीके से ख़राब हो जाएगी। तो
यहाँ पर मुझे दिख रहा है कि आप दोनों के रिलेशनशिप में कहीं ना कहीं कोई है जो ज़्यादा अपने आप के बारे में सोच रहा है, जो ज़्यादा एक्सटर्नल चीज़ों के बारे में सोच रहा है, एक्सटर्नल फैक्टर्स के बारे में सोच रहा है कि रिजेक्शन हो गया तो क्या होगा, डिजर्विंग हूँ या ना हूँ, क्या करूँ ना करूँ। ठीक है, ये चीज़ मुझे यहाँ पर दिख रही है। और करेंट एनर्जीज में मुझे ये भी दिख रही है कि आप दोनों में से हो सकता है कि आप दोनों को जो है प्रेयर करने की ज़रूरत हो, बिकॉज आप दोनों के रिश्ते में अगर कुछ अच्छा हो सकता है तो वो प्रेयर्स के वजह से ही होगा। प्रेयर्स आप लोग करोगे तभी आप दोनों की रिलेशनशिप जो है आगे बढ़ेगी। अगर ऐसे ही कन्फ्यूज़ रहोगे, अपने बारे में सोचोगे, ठीक है, डाउटफुल रहोगे, तो आप दोनों की रिलेशनशिप जो है वो स्टैगनेंट रहेगी। ठीक है, ना मूव ऑन कर पाओगे, ना कुछ अच्छा हो पाएगा। तो प्रेयर्स ही आप दोनों के रिलेशनशिप को चेंज कर सकती है। मुझे यहाँ दिख रहा है कि कोई एक पर्सन है जो डेफिनेटली प्रेयर्स में है ऑलरेडी, या तो आप हो सकते हो, आपके पर्सन हो सकते हैं जो ऑलरेडी प्रेयर्स कर रहे हैं। और हालांकि अभी मुझे दिख नहीं रहा है, कुछ रंग ला रही है, लेकिन आपकी जो प्रेयर्स अगर आप कर रहे हो या फिर आपके पर्सन भी कर रहे हैं तो वो चीज़ रंग लाएगी आगे। और अगर नहीं भी कर रहे हो तो आपको करनी चाहिए, अगर आप इस पर्सन के साथ यूनियन चाहते हो तो, बिकॉज सिचुएशन आप दोनों के ऐसे बने हैं कि आप दोनों के अंदर ही बहुत ज़्यादा ब्लॉकेजेस हैं। और ये ब्लॉकेजेस तभी हटेंगे जब आप दोनों हील होगे, जब आप दोनों प्रेयर्स करोगे। ठीक है, तो ये चीज़ मुझे कहीं ना कहीं आप दोनों के रिलेशनशिप से नज़र आ रही है। करेंट एनर्जीज आप दोनों के रिलेशनशिप की ये नज़र आ रही है। ओके, तो चलिए देख लेते हैं आपके पर्सन की करंट फीलिंग्स क्या है आपको लेकर। ओके, हमारे पास है यहाँ पर नाइन ऑफ पेंटिकल्स इन रिवर्स। Page of Pentacles, साइंस है यहाँ पर अर्थ साइन वर्गो टॉरस कैप्रिकॉन, फायर साइन एरीज लियो सजिटेरियस, एयर साइन एक्वेरियस लिब्रा जेमिनाई। हमारे पास है नाइन ऑफ कप्स, डेथ। बॉटम ऑफ द डेक से हमारे पास है द डेविल। ओके, सो करंट फीलिंग्स मुझे दिख रही है, आपके जो भी पर्सन है इस वक्त आपको बहुत ज़्यादा मिस कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा ही आपके तरफ एक अटैचमेंट ये फील कर रहे हैं। इन्हें ऐसा लग रहा है कि आपके थॉट्स को, आपके आप दोनों की मेमोरीज़ को ये इंसान लेट गो नहीं कर पा रहे हैं, रिकॉल बार बार कर रहे हैं आप दोनों के बीच में जो भी हुआ, जो भी टाइम आपने स्पेंड किया। बहुत ज़्यादा एक्सट्रीम लेवल पर ही आपको मिस कर रहे हैं। इन्हें ऐसा लग रहा है, एक बेचैनी सी इन्हें महसूस हो रही है कि ये आपकी तरफ क्यों नहीं आ पा रहे हैं। ठीक है, या फिर कुछ आप दोनों के बीच में वो पहले की चीज़ें क्यों नहीं हो पा रही है, तो ऐसी इनकी एनर्जीज़ मुझे यहाँ पर दिख रही है। देखिए, करंट फीलिंग्स में भी मुझे यहाँ पर सेल्फ वर्थ इश्यूज दिख रहे हैं, बिकॉज ये पर्सन आपको कुछ ऑफर करना चाहते हैं, ये पर्सन चाहते हैं आपके साथ चीज़ों को आगे बढ़ाएं, लेकिन इन्हें ऐसा लगता है आपके पास ऑलरेडी सब कुछ है और इस पर्सन के पास अभी भी वो चीज़ नहीं है जो इनके पास होनी चाहिए आपके साथ एक स्टेबल रिलेशनशिप में रहने के लिए। तो इन्हें ऐसा लग रहा है कि जो ये आपको ऑफर देंगे, अगर इनका इनका किसी किसी के लिए मुझे दिख रहा है ये आपको कुछ गिफ्ट देना चाहते हैं, आपको कमिटमेंट देना चाहते हैं, आपसे शादी करना चाहते हैं, तो इन्हें ऐसा लग रहा है कि अगर ये आपको वो चीज़ देंगे तो क्या वो आपके लिए इनफ होगा, क्या आप उन्हें एक्सेप्ट करोगे, क्या आप खुश होगे उस चीज़ से, बिकॉज आपके पास तो ऑलरेडी सब कुछ है बट इस पर्सन के पास उतना ज़्यादा कुछ नहीं है प्रोवाइड करने के लिए। तो फाइनेंशियल डिफरेंसेस भी आप दोनों के बीच में हो सकती है। ठीक है, तो ये चीज़ भी मुझे यहाँ पर दिख रही है, तो जिसकी वजह से इस पर्सन को सेल्फ वर्थ इश्यूज हैं। हालांकि ये आपके साथ चीज़ों को आगे बढ़ाना चाहते हैं, करियर में इनका फोकस है, बट फिर भी इनको अपने आप पर जो है कॉन्फिडेंस नहीं है कि ये कुछ आगे अच्छा कर पाएंगे या नहीं, कुछ अचीव कर पाएंगे या नहीं। लेकिन इनके मुझे यहाँ पर दिख रही है कि करंटली ये बहुत ज़्यादा विश कर रहे हैं कि आपके साथ एक न्यू बिगनिंग इनकी हो। ठीक है, इनकी यही विश मुझे नज़र आ रही है कि ये इंसान, मुझे यहाँ पर दिख रहा है आपके पर्सन डेफिनेटली प्रे कर रहे हैं आपके लिए। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे नाइन ऑफ कप्स एंड द डेथ है, जो मैं बता रहा है कि आपके जो पर्सन है वो डेफिनेटली चाह रहे हैं, उनकी विश है, ये विश ये मांग रहे हैं कि आपके साथ एक से ए फिर से नया शुरुआत इनका हो, फिर से न्यू बिगनिंग्स हो, जहाँ पर पास्ट की चीज़ें बार बार ना कंटिन्यू हो, जहाँ पर कुछ भी ऑब्स्टेकल ना रहे। और ये पर्सन एक चांस चाह रहे हैं, एक चांस चाह रहे हैं जिससे चीज़ों को ठीक हो जाए, चीज़ें ठीक हो जाए, लेकिन इनको रिजेक्शन का डर है कहीं ना कहीं। ठीक है, ये डर आपके अंदर भी हो सकता है कहीं ना कहीं, आपको भी ऐसा लग सकता है। हालांकि हो सकता है आप दोनों एक दूसरे को मिरर कर रहे हो, जो एनर्जी मुझे यहाँ पर आ रही है, मतलब आप जैसा फील कर रहे हो वैसा ही आपके पर्सन भी फील कर रहे हैं, तो आपको वैसी अगर कुछ नेगेटिव एनर्जीज हैं, अगर कुछ लो वाइब्रेशंस हैं आपके, तो उस चीज़ को आपको हटाना पड़ेगा, बिकॉज अगर आप उस चीज़ को कंटिन्यू करोगे तो आपके पर्सन भी उसी चीज़ को कंटिन्यू करने वाले हैं। ओके, तो अब हम देख लेते हैं कि आपके जो पर्सन है उनका नेक्स्ट मूव क्या होगा। हालांकि देखिए, ये पर्सन आपके तरफ आना चाहते हैं, मुझे यहाँ पर क्लियरली नज़र आ रहा है, फिर भी हम देख लेते हैं कि आपके पर्सन की नेक्स्ट मूव क्या होगा आपके लिए।
फाइव ऑफ वॉन्ड्स, तो अगर बीच में कोई थर्ड पार्टी है तो ये स्टैंड लेंगे उस थर्ड पार्टी के अगेंस्ट, आपके फेवर में। अगर कोई स्ट्रगल ये कर रहे हैं, उस स्ट्रगल से ये निकलने की पूरी पूरी कोशिश करेंगे अपना 110%, ये लगाएंगे फोर ऑफ वॉन्ड्स। वाओ, यस डेफिनेटली। और भी कार्ड देखते हैं, फिर मैं आपको बताती हूँ नेक्स्ट मूव इनका क्या होगा। द चैरियट, किंग ऑफ वॉन्ड्स, बॉटम द डेक से हमारे पास है किंग ऑफ कप्स। ओके, तो देखिए मुझे यहाँ पर दिख रहा है कि आपके जो कुछ लोग यहाँ पे हो सकते हैं सेम जेंडर रिलेशनशिप में हो कुछ लोगों के लिए, ठीक है, बट जो भी है ये इंसान का नेक्स्ट मूव यही होगा कि ये किसी भी तरह के स्ट्रगल से निकलेंगे। अगर मेंटल कन्फ्लिक्ट भी है, मेंटल कन्फ्लिक्ट से जूझ रहे हैं, दिमाग में बहुत सारे थॉट्स हैं, उससे ये निकलेंगे। किसी तरह के फियर से ये निकलेंगे, किसी तरह के स्ट्रगल से, थर्ड पार्टी सिचुएशन से ये निकलेंगे, ठीक है। बहुत तेज़ी से मुझे आपकी तरफ आते हुए दिख रहे हैं, क्योंकि ये पर्सन विद इन द नेक्स्ट 7 डेज, 7 वीक, 7 मंथ्स ये आपकी तरफ आ सकते हैं, या फिर ये जुलाई सेप्टेम्बर तक ये आ सकते हैं आपके लाइफ में। अगर ये दूर भी हैं आपसे तो ये डेफिनेटली आपके पास आएंगे, ट्रैवल करके हो या कुछ हो, बट डेफिनेटली मुझे यहाँ पे दिख रहा है स्ट्रॉन्ग डिसीजन के साथ ये आपके तरफ आएंगे और आपको जो है स्ट्रॉन्ग कमिटमेंट स्टेबिलिटी देंगे, ठीक है। एक किंग की तरह ये वापस लौटेंगे आपके लाइफ में। जो अभी ये पेज की फीलिंग रख रहे हैं, ये अपने आप को ट्रांसफॉर्म करेंगे किंग की एनर्जी में और आपके तरफ आएंगे और मैरिज प्रपोजल आपको देंगे, ठीक है। कुछ लोगों के लिए हो सकता है ऑलरेडी आप दोनों मैरिड हो बट सेपरेटेड रह रहे हो, तो मैरिड लाइफ आपकी ठीक हो जाएगी। कुछ लोगों के लिए मैरिड कमिटमेंट इस पर्सन से आपको मिल जाएगा विद इन द नेक्स्ट 4 मंथ्स, या फिर अप्रैल में भी मिल सकता है किसी किसी लोगों को, एंड किसी किसी लोगों के लिए 7 वीक्स टू 7 मंथ्स का टाइम लग सकता है, ठीक है। लेकिन ये डेफिनेटली मैरिज प्रपोजल आपको देंगे। और कुछ लोग की अगर शादी फिक्स हुई थी, आप लोगों की शादी रुकी हुई थी, नहीं हो रही थी, टूट गई थी, तो फिर से वो होने के बहुत हायर चांसेस हैं, ठीक है। और मैं एक बात बता दूँ, एक्स्ट्रा मैसेज मुझे आ रहे हैं कि फ्यूचर में आपके लव लाइफ में आपको ऑप्शंस मिलने वाले हैं, ठीक है। अगर आप इस पर्सन का वेट कर रहे हो तो आपके लाइफ में कोई एक न्यू पर्सन भी आने वाला है, और तब आपके माइंड में जो है कन्फ्यूजन या फिर मेंटल कन्फ्लिक्ट्स रह सकती है कि आपको किसको चूज़ करना है या किसको नहीं, तो ये भी कुछ लोगों के लिए हो सकता है। लेकिन ये इंसान तो डेफिनेटली आपके लाइफ में लौट रहे हैं और आपके साथ चीज़ों को बढ़ाने के बारे में सोचेंगे, और मुझे दिख रहा है रियूनियन आपकी 110% होगी, ठीक है। लेकिन उसके लिए आपको प्रेयर्स करने पड़ेंगे। ओके, तो चलिए देख लेते हैं उनकी तरफ से कुछ मैसेजेस जो वो आपको देना चाहते हैं। ओके, सो यहाँ पर है, आई एम स्टिल स्ट्रगलिंग टू अफोर्ड अ बेटर लाइफ, विल यू सपोर्ट मी इन दिस सिचुएशन। तो अभी भी ये लाइफ में स्ट्रगल कर रहे हैं, ठीक है, एक अच्छा लाइफ जीने के लिए, तो ये चाहते हैं कि आप उन्हें सपोर्ट करो, और इनको डाउट है कि आप करोगे या नहीं। फिर है, मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ या करता हूँ, बस एक्सप्रेस नहीं कर पाता या कर पाती। तो प्यार बहुत है लेकिन एक्सप्रेस नहीं कर पाते रिजेक्शन के डर से, या फिर सेल्फ वर्थ इश्यूज हैं। आई एम ओवर पॉजिटिव अबाउट यू, कांट यू बी देयर, आपको लेकर टेंस रहते हैं, पॉजिटिव बहुत हैं, आपको किसी और के साथ नहीं देख सकते हैं, ठीक है। तो इन्हें ऐसा लगता है कि आप दूसरे लोगों से बात करते रहते हो, आप उनको अटेंशन नहीं देते, आप उनके लिए अवेलेबल नहीं रहते, ठीक है। फिर इट्स अ नो फॉर नाउ, एटलीस्ट वी शुड टेक सम टाइम। तो ये आपसे थोड़ा टाइम मांग रहे हैं, ये नहीं चाहते कि जल्दबाजी में कोई चीज़ ख़राब हो जाए, तो ये पूरा टाइम लेकर आपके पास ही आएंगे, पूरा स्टेबिलिटी के साथ, सॉलिड कमिटमेंट के साथ। ओके, सो गाइस, ये थी आप लोगों की रीडिंग, आई होप आप लोगों को पसंद आए। अगर पसंद आए, रिजोनेट हुई है, तो प्लीज़ डू लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब। मैं मिलती हूँ आप लोगों को नेक्स्ट वीडियो में गाइस, तब तक के लिए बाय बाय टू।